एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। यूपी के कौशाम्बी में लगातार बढ़ रही सड़क हादसों को रोकने के लिए डीएम मनीष वर्मा ने परिवहन विभाग के साथ मिशन हेलमेट ड्राइव चलाई। इस ड्राइवर में खुद डीएम, एएसपी और डीआरटीओ ने बाइक सवार लोगों को रोककर उनका डिजिटल चलान यानी ई चलान किया। मझनपुर चौराहे में चलाई गई हेलमेट ड्राइव में मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट वाले लोगों का चलान किया। इस अभियान में जन जागरूकता का रूप देने के लिए डीएम मनीष वर्मा ने आम आदमियों को खुलकर सहयोग करने की बात कही। डीएम मनीष वर्मा के मुताबिक प्रदेश सरकार की इस ड्राइव को सफल बनाने के लिए उन्होंने एएसपी के साथ मिलकर शुरू किया है। इस अभियान में ई चलान की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे परिवहन कर्मी या पुलिस कर्मी रिश्वत की रकम लेकर किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। जिसका भी चलान किया जा रहा है उसे एक रसीद दी जाती है, जिसे देखकर वह अपनी निर्धारित रकम जमा कर सके। एसटीवी के लिए कौशाम्बी से नितिन अघारी की रिपोर्ट। सर, चेकिंग का क्या मकसद था और खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आज इस पूरी योजना को देखने आना पड़ा? हाँ, ये शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक बुधवार को एक अभियान चलाया जाए, जिससे कि यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और हेलमेट के संबंध में खासकर, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जो जितनी भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, अगर कोई व्यक्ति हेलमेट पहना रहे तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकता है। इसी को देखते हुए ये जो प्रत्येक बुधवार को अभियान चलाया जा रहा है उसी को चेक करने हम और कप्तान साहब और आरटीओ साहब पूरी टीम आज आई थी और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जागरूक भी किया। उद्देश्य बस ये है कि बिना हेलमेट के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसको पकड़ के समझाया जाए और उसका चालान कराया जाए, ताकि आगे से वो हेलमेट का प्रयोग करें और किसी भी दुर्घटना सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। थैंक यू अदिति। एंड नाउ यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम वयस्क होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों का सम्मान प्रदान करेंगे। हम